हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 दिसंबर दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना अगन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में हुए हैं कई बदलाव, लेकिन 4 बदलाव मुख्य हैं जो आपको अगली किस्त पाने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। बदलाव के तहत पहला बदलाव है, आधार कार्ड हुआ है जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड के बिना कोई भी किसान इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त गलत आधार नंबर देने के चलते किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंचती, इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय सही आधार नंबर दीजिएगा। दूसरा मुख्य बदलाव है, KYC करना अनिवार्य। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया है। EKYC यदि आपने नहीं कराया है तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के EKYC करा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा बदलाव है, राशन कार्ड अपलोड करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस समय राशन कार्ड अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसकी धनराशि से वंचित किया जा सकता है। वहीं चौथा बड़ा बदलाव है, भूलेखों का सत्यापन करना। दोस्तों, PM किसान योजना के लिए भूलेखों का सत्यापन करना बेहद आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम लाभार्थी लिस्ट से कट जाएगा, इसलिए इन 4 बड़े बदलावों को आप अपडेट करा लें और योजना का लाभ लेते रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़े साहब अर्थात मुख्य सचिव के रिटायरमेंट के दिन आया है उनके एक्सटेंशन का आदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर अगले 6 महीने तक इकबाल सिंह बैसी रहेंगे। बैस 30 नवंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे और उसी दिन उनके एक्सटेंशन के आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिए। अब बैस 30 मई 2023 तक मुख्य सचिव रहेंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत अब नई शिक्षा नीति में बाप बेटे और दादा पोते भी ले सकते हैं एडमिशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में उच्च शिक्षा मंत्री ने राजगढ़ कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बाप बेटा और दादा पोते एक साथ एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, राजगढ़ जिले में 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ PG कॉलेज के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने किया। मंच से संबोधित करते हुए मोहन यादव जी ने कहा कि सभी को एडमिशन चाहिए तो मिल सकता है। दोस्तों, राशन कार्ड धारियों के लिए केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब देश भर में लागू हुआ है राशन का नया नियम। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन दुकानों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ सरकार ने लोगों के फायदे के लिए फ्री राशन की अवधि दिसंबर महीने तक बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप राशन कार्ड लेते समय सेल्समैन से POS मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आपको राशन देते समय सेल्समैन झोलझाल न कर सके। दोस्तों, बालाघाट के जंगल में मुठभेड़ में 2 नक्सली हुए ढेर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बालाघाट जिला नक्सलाइट एरिया है, यहाँ हमेशा ऐसी वारदातें सुनने को मिलती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला के जंगलों में नक्सली लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाकपोर्स की सर्चिंग टीम और नक्सली आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ा और उनके 2 साथी ढेर हो गए। इन दोनों इनामी नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर जी ने दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है लेटर। उन्होंने लेटर में BJP प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के ससुर को
कुलपति बनाने की की है शिकायत। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा को कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति बनाने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, परंतु मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं प्रदेश की अध्यक्ष अपने ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाकर बैठे हैं, जिनकी आयु 67 वर्ष है। 67 वर्ष होने के बावजूद भी यह नियम के विरुद्ध है, फिर भी उन्हें कुलपति बनाया गया है। दोस्तों, प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों की हालत खराब है। 548 शौचालय अधूरे पड़े हैं, खुले में शौच जाने को मजबूर है जनता। 200 सामुदायिक शौचालयों पर लगाया ताला। यह हाल है सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर का। दोस्तों, सीहोर जिले में स्वच्छता को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर काफ़ी काम हुए हैं, परंतु हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो सीहोर जिले को ODF घोषित कर दिया गया है। ODF घोषित होने के बावजूद भी कई ग्रामीण आज भी शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। इसे जिम्मेदारों की अनदेखी कहें या फिर लोगों में जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं। नतीजा आज भी कई लोग खुले में शौच कर रहे हैं। ऐसे में अभियान की सार्थकता पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। अब प्रशासन इस पर कैसे संज्ञान लेता है, कैसे काम करता है, वह देखना होगा। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर साहब हो गए सख्त। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से डेली रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, भोपाल के बैरसिया में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर अविनाश लवानिया सख्त हो गए हैं। उन्होंने अफसरों से खाद की डेली रिपोर्ट मांगी है। एक दिन पहले ही बैरसिया के प्राइवेट गोदाम में खाद की 1000 बोरी मिली थी और व्यापारी इन 1000 बोरियों को किसानों को मनमानी रेट पर बेच रहा था। इसके बाद SDM ने गोदाम सील कर बोरियों को जब्त कर लिया। दोस्तों, फसल बीमा को लेकर जरूरी सूचना है। 31 दिसंबर तक करा सकते हैं आप फसलों का बीमा। इसके लिए प्रचार रथ शुरू हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान रबी साल 2022-23 की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। ऋणी तथा अऋणी किसान संबंधित बैंकों में 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा कराकर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए हैं 8.5 लाख आवेदन। दोस्तों, चुनाव से पहले प्रदेश में चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम में नाम जुड़वाने के लिए अब तक 8.5 लाख आवेदन निर्वाचन आयोग को मिले हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में पूर्व से सम्मिलित 2,42,000 मतदाताओं के नाम पर आपत्ति की गई है। वहीं 2,55,000 आवेदन में संशोधन या सूची में दूसरे स्थान पर नाम जुड़वाने के लिए भी प्राप्त हुए हैं। यह सारी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी है। दोस्तों, आप भी यदि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी BLO से मिलकर के नाम जुड़वा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।